हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर हो रहा है सुबह का समय, तो अभी बज रहा है करीब 10:30-11 का टाइम हो रहा है। तो बच्चे बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरा यहाँ पर नाश्ता वाश्ता बन गया। तब तो सुबह मैंने बच्चों को नाश्ते मैक्रोनी बनाकर दी थी, तो बच्चे मैक्रोनी लेकर स्कूल चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि स्कूल से बच्चे आएंगे तो वो खाना मांगेंगे। और यहाँ पर मैंने घर की क्लीनिंग, सफाई वगैरह, झाड़ू पोछा सभी काम कर लिए थे। और अभी मैं यहाँ पर नहाकर आई थी, तो नहाने के तुरंत बाद ही मैंने सीधा खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाने मुझे बनाने थे आज राजमा चावल और बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बस राजमा चावल के लिए देखिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, और ये मिर्ची मैंने कल सुखाई थी दोपहर के टाइम में, तो बस वही रखी हुई थी, तो उसको मैंने पीस लिया सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची को पीसने के बाद उसी मतलब जार में मैंने मसाला कर लिया। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, तो ये हरी मिर्च डाली थी 2-3, तो ये मसाले में कूट लिया अच्छे से। तो मसाला मिक्सिंग पीसने के बाद यहाँ पर वो कढ़ाई मुझे छोटी लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कढ़ाई को चेंज कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर बड़ी वाली कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डाल लिया, और इसके बाद इसमें ऑयल डालने के बाद यहाँ पर इसमें मैंने डाल दिया है ना मसाला। तो मसाले मैंने डाला था नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, तो ये सब मैंने पहले तेल में अच्छे से भून लिया था ताकि इसका कलर अच्छा आए सब्ज़ी का। उसके बाद डाल दिया इसमें मसाला जो मैंने प्याज टमाटर का पीस कर रखा था। तो मैं प्याज टमाटर का मसाला एक साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि जितना टाइम प्याज को लगता है उतना ही टमाटर को लगता है, तो दोनों साथ में भून जाए तो जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पर बस देखिए मसाला मेरा भून चुका था और राजमा भी मेरे बॉयल हो चुके थे। तो राजमा मैंने एक साइड बॉयल करने के लिए रखे थे, तो जल्दी से राजमा भी उबल गए थे। और फटाफट से देखिए पर मसाले मैंने अच्छे से राजमा को कर दिया है मिक्स, और उसको हिलाकर अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो रही थी, क्योंकि मुझे चावलों के साथ चाहिए थे। तो इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि थोड़ी सी पतली पतली सी सब्ज़ी बन जाए और चावलों के साथ बच्चे अच्छे से खा सके। तो यहाँ पर देखिए राजमा पानी डालने के बाद इसको मैं रख दूँगी ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। उसके बाद करूँगी मैं यहाँ पर एक तो ये जो पानी वानी भरने का काम है और चावल को धोने का काम है, तो ये सब करूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह मैंने सभी वॉश कर लिए थे सुबह में ही, और घर की क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी। तो बस बचता था मेरे पास सिर्फ खाने का टाइम था, तो मैं खाना वाना ही बना रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अब चावल धोने स्टार्ट कर दिए, मैं चावल धो लेती हूँ सबसे पहले। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जब चावल धुल गए थे तो मैंने एक साइड कुकर में चावलों को चढ़ा दिया है। तो ये देखिए काफ़ी टाइम से वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रखी थी और कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ मेरे को मतलब बिल्कुल भी सावी नहीं बन पा रहा था वीडियो बनाने का, और तबीयत की वजह से ही। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा अभी मेरा मूड फ्रेश सा हुआ, तो मुझे लगा वीडियो शूट कर लेती हूँ, जितना होता है उतना कर लेती हूँ। तो तोड़ के छोटा मोटा जैसा हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बस अभी मैंने एक साइड चावल रखे थे बनने, और दूसरी साइड मैंने रखती है कढ़ाई दूसरे वाली, जिसमें बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिफाइंड डाला था इसमें, और इसमें रिफाइंड डालकर इसमें डाल दिए प्याज। तो प्याज मैंने लंबे लंबे कट कर लिए थे, और इनको कट करके इसको मैं प्याज को भुनने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर जब तक मेरे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक मैं ये आलू छील लूँगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं मोट छोले। तो मोट मैंने मतलब कल को भिगो कर रखे थे, एक दिन पूरा दिन भीगते रहे थे, और उसके बाद उसको कपड़े में बांध कर रख दिया था अंकुरित होने के लिए। तो जब वो हो गए थे उसके बाद उसको बॉयल कर लिया था। तो मोट को बॉयल किया, आलू छोले ये सब बॉयल कर लिए थे सुबह में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो उसमें मैंने भिंडी भी डाल दी थी, और भिंडी भी मेरी अच्छे से भुन गई थी। भिंडी भुनने के बाद मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर ये सब डाल दिया है, क्योंकि जब हम भिंडी को अच्छे से तल कर तेल में फ्राई करके बनाते हैं तो बिल्कुल भी गिल्ली नहीं बनती है, अच्छे से सूखी सूखी सी बनती है, और वही अच्छी लगती है सभी को। यहाँ पर देखिए इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम में, क्योंकि सुबह में मैंने खाना वाना बनाकर उसके बाद मैं थक चुकी, सुबह 5 बजे उठी थी तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, दोपहर तक लगी रही काम वगैरह करती रही। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर किया था आराम दोपहर के टाइम में, थोड़ी देर आराम वगैरह करने के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, तो मैं यहाँ नहा धोकर नीचे आ गई थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, क्योंकि कपड़े वो रखे थे बहुत ज़्यादा, तो बस वही धोने के लिए ले आई थी नीचे। यहाँ पर देखिए मम्मी बैठी हुई है, मम्मी का हुआ था आँख का ऑपरेशन, तो बस यहाँ पर मम्मी के पास बैठी थी तो पी रही थी पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गर्मी वगैरह लग रही थी तो मैंने पानी लिया था ठंडा। और बस पानी पीकर उसके बाद मैं फिर से जाऊँगी कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह धोनी थी मुझे, और अभी शाम का टाइम है तो अभी डालूँगी तो सूख भी जाएंगे रात।
तो बस मैं थोड़ी देर के लिए कपड़े वगैरह वॉश हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये सब ड्रेस वगैरह सब अपने डाल दूँगी, तो अच्छे से बच्चों की ड्रेस सूट जाएगी, तब तक अपना आराम से सुबह में पहन के जा सकेंगे। प्रेस वगैरह भी सुबह में मैं कर दूँगी इनको। तो यहाँ पर देखिए शर्ट वगैरह कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, तो मैं इनको हाथ से वॉश कर रही हूँ ब्रश लगा कर, क्योंकि मशीन में अच्छे से जो साफ़ नहीं होते हैं कपड़े उनको हाथ से थोड़ा सा मल लेना चाहिए। अब बस यहाँ पर मैं इनको पानी से निकाल दूँगी, तो पानी देखिए साथ के साथ डोलती भी जा रही हूँ और साथ के साथ मैं इसको अच्छे से पानी में से निकाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दो टब ले लिए रखी, तो पार्टी भी हुई थी पर वो अनुशिका नहाने चली गई थी अभी, क्योंकि सभी को सोकर उठने के बाद थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लगती है, ऊपर छत का मकान है तो छत पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इस वजह से। और फिर बस बच्चे वगैरह सोकर उठ के इसके बाद नहा धोकर यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह सारे वॉश हो चुके थे, तो बच्चों की मैंने ड्रेस वगैरह सूखने के लिए डाल दी थी। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ऊपर किचन की हालत आप लोग देख सकते कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो बस उसको मुझे क्लीन करना था। और खाना वाना मैंने बना दिया था, बीच में से आई थी मैं एक बार, तो कपड़े मेरे करीब 8 बजे के तक निपट गए थे, 8 बजे तक। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बस थोड़ी सी रोटी सेकी थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी तो बस सबने उसके साथ खा ली थी, और कुछ ने राजमा ले लिए थे, तो भिंडी और राजमा में ही काम चल गया था रात का। और बस सबने रोटी वगैरह खा ली, उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे बर्तन वॉश किए, तो बर्तन वगैरह वॉश करके पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके यहाँ पर मैं अभी सिंक का एरिया है जो ये साफ़ कर लूँगी, अच्छे से पूरा किचन क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर बस मेरा पूरा किचन क्लीन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बस मेरा दूध गर्म करना रह जाएगा, दूध वगैरह गर्म करके तो सबको देकर उसके बाद करूँगी गुड नाइट। तो ये था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन, तो नाइट रूटीन था ये मेरा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक।